दो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो यहां पर दो कॉन्फ़िगरेशन जो है 1 से 40 तक में वो एक्सेप्शनल होता है, एक्सेप्शनल होता है, और भी एक्सेप्शनल होते हैं, वो समय के साथ हम आगे बताएंगे। तो समय आया नहीं है, अपना समय आएगा तब बताएंगे। तो पहले दो के बारे में तो जान लेते हैं। क्रोमियम, क्रोमियम का कैसे लिखते हैं, 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 4H2 और 3D4 होता है। तुम काउंट करोगे, 2, 4, 7, 10, 12, 18, 20 और 4, 24, ऐसे हम लिखते हैं। तो ऐसे तो हम लिखना ही चाहिए था हमें ऐसे, अब यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, 1H2, 2H2, 2P6 है, 3H2, 3P6। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्सीडेंट होगा यहाँ, 4S1 एक इलेक्ट्रॉन्स को कम कर देना है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स को कम करना है और जो कम किए यहाँ बढ़ा देना है। ये कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिखा था वो गलत है, मतलब एक्सेप्शनल है, और ये करेक्ट है। पहले इसका लिखो, रीजन मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों होता है। जो हमने कॉन्फ़िगरेशन वो शॉर्टकट तरीका है निकालने का, ठीक है। हाँ फिर से एक बार बता दे रहा हूं, नॉर्मली तुम क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे निकाले थे, ठीक है, सब कुछ एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेज नहीं होगा। 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन्स कम करना है और 3d में एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देना है, पहले ऐसा करना है, फिर हम बात जानेंगे क्यों करना है। तो ऐसा करना है 4s1 और 3d5, ऐसा करना है आपको, ये नहीं लिखना है। तो आज के बाद क्या तेरी गलियों में नहीं रखेंगे कदम, नहीं, 4s में 1 और इसमें 3d5, आज के बाद ऐसे लिखना है, ठीक है। क्यों लिखना है आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। नॉर्मली क्या लिखते हैं हम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, ऐसा ही आपने लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज की जरूरत है, क्योंकि एक्सेप्शनल है ना, तो थोड़ा चेंज करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक एज इट इज, कोई चेंजेज नहीं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स को कम करना है 4s1, और जो इलेक्ट्रॉन्स आपने कम किया उसको यहाँ पर बढ़ा देना है, 9 से 10 कर देना है, ये यहाँ पर चेंजेज करना है। क्यों करना है आगे की बात है, ये आपको आज के बाद नहीं लिखना है, आज के बाद आप ये लिखोगे, और ये काम केवल 1 से 40 तक में केवल दो ही क्या करोगे। समझ में आ गया थर्व शाह, ये काम यही। अब ऐसा क्यों, तो मैं अभी रीजन लिख दे रहा हूं, अच्छा रीजन को बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो रीजन दोनों का एक ही है, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टेबल
कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये हम आगे जानेंगे समय के साथ। तो आप पहले लिख लीजिए, तो क्या करना है वो समझ में आ गया, क्यों ऐसा हो रहा है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का वजह से। स्टेबल क्या होता है वो समझाएंगे आगे, तो वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि अभी तूफान आना बाकी है। मुंबई में आया ना तूफान साइक्लोन, अथर्व साह व्हाट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अरे मैं बोल रहा हूँ ना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आगे बात करेंगे। ये लिख लिए, तो 1 से 40 तक में कॉन्फ़िगरेशन, 2 एक्सेप्शनल है, आप ध्यान रखना। ये मत लिखना, ये मत, ये लिखना, ये मत लिखना, ये लिखना, ओके ना। अब आगे हम बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, अभी कॉन्फ़िगरेशन सबका निकालेंगे, लेकिन अभी और आगे पढ़ने के बाद निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड, फिर से एक्सप्लेन करना है शांतनु, और इसमें एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत है। देखो क्रोमियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अब क्या लिखते थे 4, देखो अपने नोटबुक में क्या लिखे थे, जल्दी बताओ शांतनु क्या लिखे थे यहाँ पर, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, लॉकर लॉकर सांग क्या लिखे थे। आभा देश पांडे वो नहीं बता रहा संतन, वो कहां चला गया। यहां हम लिखते थे 4s2, लेकिन आज के बाद क्या लिखोगे 4s1। यहां क्या लिखते थे 3d4, आज के बाद क्या लिखोगे 5, बोलो हाँ। केवल ओके लिख के भेज रहा, मैं पूछ रहा हूं क्या लिखोगे तो बोलोगे ओके, ओके लिखोगे। कॉपर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 लिखा करते थे, लेकिन आज के बाद हम 1 लिखेंगे। 3d9 लिखा करते थे, आज के बाद 10 लिखा करेंगे। ऐसा क्यों, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो आगे बात करेंगे। अब किसी को डाउट है, आज के बाद ये लिखोगे ना सब, चलो और जब पेपर होगा तब आउट ऑफ लाना है, अगर मार्क्स कम आया तो सर फोड़ देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड, इसमें तो इंक ही नहीं, हाउ टू फाइंड ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड नंबर फॉर एन एटम। कोई एक आपको एटम दिया जाएगा और उसका आप, अभी पेपर नहीं है, अभी पेपर पढ़ाई हो चल रहा है, कोई आपको एक एटम दिया जाएगा और उसका आप ब्लॉक निकालोगे, ग्रुप निकालोगे और पीरियड निकालोगे, ठीक है। रटने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन से पता करेंगे कैसे निकाले। तो ब्लॉक तो 4 होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जानते ना SPDF, देयर आर 4 ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आपको उस ब्लॉक के बारे में बताना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप, तो ग्रुप 1 से लेके 18 तक होता है ना। और पीरियड के बारे में बात करें तो पीरियड 7 होता है, पीरियड इज 7। आवाज आ रही है सबको ना,
आवाज आ रही है ना, पीरियड क्या होगा, सेवन होगा, तो सात पीरियड। चलो तो हम इसको तीन कैटेगरी में पढ़ते हैं, तो ध्यान से समझना, फिर मत बोलना कि सर दोबारा बताइए। अगर मान लो हमें कोई एलिमेंट, जैसे मान लो सोडियम ही ले लिया, ये तो चलो सोडियम के बारे में हमें सोडियम किस ब्लॉक से, किस ग्रुप से और किस पीरियड से बिलोंग करता है, पीरियोडिक टेबल देख के नहीं बताना है हमें, तरीके से निकालना है। ये नहीं कि पीरियोडिक टेबल में देख लिए सर इस ब्लॉक में, इस ग्रुप में, वो देख के नहीं बताना, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे सामने पीरियोडिक टेबल नहीं रहेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा इसमें हेडिंग होगा कि फॉर, हम वैसा एलिमेंट को चुनेंगे फॉर एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक एलिमेंट, हम ऐसा एलिमेंट को इसमें चुनेंगे जो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। फिर पी वाला के लिए पढ़ेंगे, सर पहले ही हम कैसे जान जाएंगे कि एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, हम कहां बोल रहे तुम पहले जानो कि एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम s को दे रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे s ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको देंगे दैट विल बी रिप्रेजेंट ब्लॉक, तो सोडियम विल बिलोंग्स टू s ब्लॉक, ओके ना। दिस नंबर इज बिलोंग्स टू पीरियड नंबर, तो सोडियम विल बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3। एंड जो इंडेक्स में नंबर है, पावर में नंबर है, दिस नंबर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर वन। तो सोडियम विल बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1 एस ब्लॉक एंड पीरियड नंबर 3। यानी हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम देखेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए उससे हम सब कुछ एनालिसिस करेंगे। दिस नंबर विल बिलोंग्स टू पीरियड नंबर, दिस इज बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एंड दिस इज बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1। डू यू अंडरस्टैंड, आवाज ब्रेक हो रहा है ना, तो जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा